बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान का दुश्मन नंबर वन अफगानिस्तान में छुपा बैठा टीटीपी का इंटेलिजेंस चीफ रात गए अचानक उड़ाया गया है और एक नामालूम कार्रवाई डाली गई है। एक नामालूम कार्रवाई के अंदर ये शख्स एलिमिनेट कर दिया गया है और एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इस पूरी डेवलपमेंट को देखा जा रहा है। इस सब के अंदर कुछ चीजें जो आपके सामने रखनी है, कुछ डिटेल्स हैं, इंटेलिजेंस सर्विसेज की जानिब से खबरें हैं जो कि इस वक्त बहुत कुछ वाजे कर रही हैं कि नामालूम अफराद ने ये कार्रवाई कैसे डाली और किस तरह से ये पाकिस्तान के दुश्मनों को हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज भारत, इसराइल और दीगर जो कोई भी पाकिस्तान के अंदर बदमनी चाहता है उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन क्या है टीडीपी के साथ मुजाकरात के हवाले से, वो भी आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानब कुछ बड़ी कंसर्निंग डिटेल्स हैं, कुछ परेशान कुन खबरें हैं जो पाक अफगान बॉर्डर से आ रही हैं और ये खबरें पाक फौज और अफगान तालिबान के दरमियान झड़प के हवाले से कुछ लोकल मीडिया की और तालिबान के जो सोर्सेज हैं उनकी रिपोर्ट्स भी मैंने आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि किस तरह से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने की मुकम्मल कोशिशें हैं और इसकी असल वजह यह है कि पाकिस्तान कमजोर हो और जब कोई मुल्क अपने इंटरनल मैटर्स में लगा रहे तो फिर वो उधर नहीं देखता, वो बाकी चीजों के अंदर हमारी फौज, हमारी एजेंसीज, हमारी आईएसआई को मशगूल रखना चाहते हैं। और जिस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन तालिबान के कब्जे से पहले इस्तेमाल होती थी, भारत ने हमारे बॉर्डर के अक्रॉस कौंसल खाने बनाए हुए थे, वो बाकायदा तौर पर लॉन्चिंग पैड थे दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए और सेफ हाउसेस और शेल्टर प्रोवाइड करते थे ये टीटीपी के लोगों को। ये पाकिस्तान लगातार बात भी कर चुका है, तो इसके बाद भी ये मसला जारी रहा और जब तालिबान ने टेक ओवर किया उसके बाद बहुत सी कोशिशें की गई अफगान तालिबान की तरफ से, क्योंकि उनके लिए एक बहुत ही अजीब सी सूरत हाल थी, क्योंकि उन्होंने आलमी दुनिया से वादा किया कि हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। फिर उनके मकामी लोग, स्पेशली पाकिस्तान के बॉर्डर के अक्रॉस जो अफगान तालिबान की अपनी रिश्तेदारियां हैं टीटीपी के लोगों के साथ, वहां पर उनकी रिश्तेदारियां हैं, फैमिलीज बसी हुई हैं, तो ये एक बड़ा फैक्टर था। अब उसमें बहुत से मुजाकरात, बहुत सी जंगबंदियां, बहुत कुछ किया गया। अभी भी रिसेंटली पाकिस्तान के उलमा का एक वफद काबुल भेजा गया और वहां पर उन्होंने टीटीपी के जो मुख्तलिफ गिरोह हैं उनके साथ मुजाकरात किए और इन मुजाकरात की सहूलतकारी बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से की गई। ये मुजाकरात जिनमें उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि उलमा की बात वो सुनेंगे और जो ये शरीयत और इस तरह की चीजों की आड़ लेकर ये बात करते हैं, इन मुतालिबात पर जय्यद उलमा जो कि रिस्पेक्टेड है उनकी बात ये जरूर सुनेंगे और मुजाकरात इस हवाले से होंगे, लेकिन वो मुजाकरात भी बेनतीजा खत्म हुए। आप कह सकते हैं कि वो टॉक्स नाकाम हुई और फिर उलमाए किराम को वापस पाकिस्तान आना पड़ा और ये मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं। अब यहां पर सूरत हाल ये है कि वहां से इनके आपसी मसाइल हैं लेकिन ये घुसकर पाकिस्तान के खिलाफ भी कार्रवाइयां करते हैं, लेकिन अब इन्हें एक बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है और इनका एक बहुत बड़ा कमांडर पुरिसरार तरीके से मारा गया है और इस तरह की पुरिसरार कार्रवाइयां पहले भी होती आई हैं। इससे पहले भी जब बलूचिस्तान के अंदर वाकया हुआ और हमारे फौजी जवानों को शहीद करके दहशतगर्द रातों रात ईरान भाग गए थे, उस वक्त भी ईरान के अंदर जाकर इन दहशतगर्दों को हंट किया गया नामालूम अफराद की जानिब से। ये दर हकीकत गुमनाम हीरोज होते हैं और इनकी कार्रवाइयां भी बड़ी पुरिसरार होती हैं, बड़ी गुमनाम होती हैं, बड़े तरीके से ये कार्रवाई डालते हैं और जब तक उन्हें पता चलता है कि कोई हम पर अटैक हुआ है उस वक्त तक ये कार्रवाई करके भाग भी चुके होते हैं और वहां से निकल चुके होते हैं और ये लोग सिर्फ देखते ही रह जाते हैं और कुछ कर भी नहीं पाते। और ये बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के ऑपरेशन होते हैं जो कैरी आउट किए जाते हैं अननोन लोगों की तरफ से। लेकिन एक चीज जो कंफर्म की जा सकती है वो हमेशा ये होती है कि ये हमारे मुल्क के लिए एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। अब इत्तलाआत ये है कि टीटीपी का इंटेलिजेंस चीफ, उनका टॉप का कमांडर जिसका नाम अब्दुल रशीद और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये उकाबी के नाम से मशहूर था, इसे रिपोर्टेडली मार गिराया गया है। एक
आईईडी एक्सप्लोजन में, और ये अफगानिस्तान का सूबा कुनड़ है, वहां पर चुगम दादा के अंदर ये ऑपरेशन हुआ है, जिसमें एक धमाके में ये शख्स पुरइसरार तौर पर मारा गया है। और मौलाना ओकाबी बाजोड़ी के नाम से भी ये मशहूर था, और ये जो टीटीपी की ऑपरेटिव इंटेलिजेंस के का विंग है, उसका ये चीफ था, उसका माइंड था। इसकी पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियां और पाकिस्तान में मुसलसल रबते थे, और ये चीज भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान पहले भी इस हवाले से बता चुका है कि इनकी पुश्त पनाही कौन करता है, तो इनके ब्रेन को उड़ा दिया गया है ये कहना गलत नहीं होगा। नामालूम अफराद ने उसे गन डाउन किया है। ये दूसरा बड़ा कमांडर है, और इससे पहले खुश मोहम्मद सिंधी जो है वो मारा गया था। और जाहिरी बात है ये गुमनाम किस्म की कार्रवाइयां होती हैं गुमनाम लोगों की तरफ से, और ये बड़ी अचीवमेंट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। हम पॉलिटिकल स्टोरीज तो अपने चैनल पर कवर करते ही हैं, लेकिन ये चीजें भी आपके सामने रखना जरूरी है। अब अफगानिस्तान का लोकल मीडिया क्या कह रहा है, हमारा बाढ़ का भी उनके साथ इश्यू है, ये क्योंकि डिसऑर्गेनाइज्ड किस्म के लोग हैं। अब काबुल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इस हवाले से कुछ सफाई की गई है, ये क्योंकि डिसऑर्गेनाइज्ड किस्म के लोग हैं, और पाकिस्तान के लिए तालिबान ने जो है जो कंसर्न पाकिस्तान के थे वो दूर किए हैं, और पाकिस्तान ने भी बड़े तहमुल का मुजाहरा किया और चीजों को नुकसान की तरफ जाने से बचाया है। अब जो इत्तलाआत आ रही हैं वो ये है कि clashes reported between Pakistan security forces and Afghan Taliban in Binshahi area of Lower Dir district bordering Kunar Afghanistan, yani Kunar Afghanistan ke andar jo Lower Dir ka ilaka hai wahan par jo Afghanistan ke sath border hai wahan par bhi kuch clashes jo hain wo report hue hain, aur ise Afghanistan ka local media baqaida taur par report kar raha hai, और खरासान डायरी ने भी इसे रिपोर्ट किया है कि ये बॉर्डर पर झड़प हुई है, और बताया ये जा रहा है कि कोई बॉर्डर पोस्ट की कंस्ट्रक्शन का मामला है। लेकिन मैंने जो शुरू में खबर दी थी आप उसे भी अपने जहन में रखें, क्योंकि इसमें टीटीपी के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अफगान तालिबान की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है कि 3 अफगान तालिबान और 2 पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स इस हमले में जख्मी हुए हैं, और इसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान तो रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन इसे बर वक्त कंट्रोल करना और काबुल एडमिनिस्ट्रेशन को समझाना भी जरूरी है, क्योंकि यहां पर तो एक बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है लेकिन दूसरी जानेब जो है वो बड़ा अनप्रोफेशनलिज्म है, मुजाकरात का सिस्टम नहीं है। ईरान की फोर्सेज के साथ भी रिसेंटली बॉर्डर पर कुछ दिन पहले क्लैशेज हुए, फिर यह भी वाकया हुआ कि कोई बंदा बॉर्डर क्रॉस करते हुए मारा गया, अफगानिस्तान से वो क्रॉस कर रहा था, तो उनके जंगजू उज़्बेकिस्तान की अथॉरिटीज के साथ मुज़ाकरात करने चले गए और उन पर हमला हो गया। तो इन्हें डिप्लोमेटिक चैनल का भी पता नहीं कि ये क्या होते हैं। बाज रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अफगान मिलिट्री और पाकिस्तान मिलिट्री के दरमियान इंटेंस किस्म का एक्सचेंज ऑफ फायर है, और ये डिसएग्रीमेंट ओवर कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉर्डर यानी बॉर्डर के मामले पर ये इशू हुआ है। तो ये अब तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।